हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ठीक है तो हम बेसिकली यहां पे पूछा गया है हमसे कि जॉइंट्स कौन से हैं जो कि बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं तो जॉइंट्स की अगर हम बात करें जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हम तीन टाइप के जॉइंट्स पढ़ते हैं ठीक है तीन टाइप के जॉइंट्स पढ़ते हैं उनमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके फाइबरस जॉइंट्स देन आ जाते हैं कार्टिलेजनियस कार्टिलेजनियस एंड देन आ जाते हैं साइनोवियल ज्वाइंट ठीक है ये तीन तरीके के जॉइंट हम पढ़ते हैं तो जो फाइबरस जॉइंट होते हैं देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ये जॉइंट फाइबर्स से फॉर्म होगा जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि दिस इज बोन वन एंड दिस इज बोन टू ठीक है तो ये इस तरीके से फाइबर्स से ज्वाइंट होता है और फाइबर्स क्या करते हैं इसको बहुत टाइट बना देते हैं जिससे कि मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाता है तो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा फाइबरस ज्वाइंट के अंदर क्योंकि डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से क्या हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइटली फॉर्म हो जाते हैं और इस इनको हम क्या बोलते हैं सूचर्स बोलते हैं अगर ये, अगर ये फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल में फॉर्म हुए हैं क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो स्कल बोन है जैसे फॉर एग्जाम्पल फेराइटल टेम्पोरल हो गया तो ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड होता है दैट इज थ्रू फाइब्रस ज्वाइंट ठीक है तो इनको हम क्या बोल देते हैं सूचर्स सूचर्स फॉर्म कर देते हैं ये क्रेनियम में ठीक है तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्कल बोन के अंदर स्कल बोन में मिलते हैं हमें और ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं तो नो मूवमेंट अलाउड देन हम बात करें कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो बोन्स एक दूसरे से अटैच होती है या आर्टिकुलेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज तो ये लिमिटेड मूवमेंट जो है वो शो करती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि दिस इज अ वर्टिब्रे एक वर्टिब्रे है ये ये दूसरा वर्टिब्रे है ऐसे ही ये तीसरा वर्टिब्रे है ठीक है इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कार्टिलेजनियस ज्वाइंट इनके बीच में जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा कार्टिलेजनियस ज्वाइंट तो ये क्या करता है लिमिटेड मूवमेंट परमिट करता है परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट ठीक है लिमिटेड मूवमेंट शो करेगा और ये हमें कहा देखने को मिल रहा है वर्टिब्रल कॉलम में ठीक है तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है देन हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि दिस इज बोन वन दिस इज़ बोन टू तो इनके बीच में क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो कि साइनोवियल फ्लूड को रिलीज करती है साइनोवियल फ्लूड होता है तो ये फ्री मूवमेंट शो करता है फ्री मूवमेंट फ्री मूवमेंट या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कंसिडरेबल मूवमेंट जो है वो शो करता है ये ठीक है और ये बड़े सारे आगे टाइप्स का हम पढ़ते हैं साइनोविल जॉइंट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं आगे ठीक है जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया फेविट जॉइंट हो गया हिंज जॉइंट हो गया ठीक है साइडल जॉइंट हो गया ये सारे क्या हैं साइनोविल जॉइंट्स के टाइप हैं सो so फर्स्ट अगर हम कार्टिलेजनियस ज्वाइंट की बात करें ऑप्शन में तो ये कुछ मूवमेंट अलाउ करता है सो so ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा फाइब्रस ज्वाइंट जो है बिल्कुल कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता है तो हमारा करेक्ट आंसर फाइब्रस ज्वाइंट हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट तो काफी मूवमेंट अलाउ करता है सो so ये इनकरेक्ट हो जाएगा सैडल ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन बी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इलेवंथ की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर टू ट्वेंटी सेवन पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आके हैं